हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हम सीखेंगे इस प्लान को कैसे रिविट आर्किटेक्चर में ड्रॉ करें, और ये पैरामीटर्स दिए हैं, डोर, विंडो और वॉल्स का साइज़ दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो रिविट आर्किटेक्चर 2016 मैंने ये ओपन कर लिया, और हम टेम्पलेट जो चूज़ करते हैं वो आर्किटेक्चर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है, कि हमें यूनिट देखना है कि यूनिट हमें क्या चाहिए। तो ये एमएम में यूनिट है, मिलीमीटर्स में। तो हम सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे। यूनिट चेंज करने के लिए हमें यू एन प्रेस करना है केवल, विदाउट एंटर। तो यू एन यूनिट आ चुकी है, और यहाँ पे जो लेंथ है इसको हम चेंज कर लेते हैं मिलीमीटर में, पहले से चेंज है। यूनिट सिंबल को भी हम मिलीमीटर कर लेते हैं। ओके ओके। सेकंड स्टेप हमें देखना है कि इस ड्राइंग में जो हमें सबसे पहले आउटर वॉल बनानी है उसकी थिकनेस क्या है और वो किस टाइप की वॉल है। तो आउटर वॉल जो है हमारी, वो मेसनरी है और उसकी थिकनेस है 230 mm। तो सबसे पहले हमें एक वॉल डिसाइड करनी है। वॉल से पहले हमें डिसाइड करना है कि ये जो हम ड्राइंग बना रहे हैं जिस बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग के फ्लोर्स कितने हैं। तो इसमें फ्लोर्स तो दिया नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 meter की ये बिल्डिंग है, जिसकी जो हाइट है वो 3 meter है। अगर इसकी हाइट 3 meter है तो हमें लेवल्स बनाने होंगे। एक लेवल होगा G0 ग्राउंड लेवल, और एक होगा G1। तो ये लेवल बनाना होगा जिनके बीच का डिस्टेंस है 3 meter। तो सबसे पहले हम यहाँ नॉर्थ पर क्लिक करेंगे। ये लेवल्स आ गए हैं, पहले से 2 levels हैं, तो हम ये 4000 को कर देते हैं 3000, और level 1 और level 2 ही इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे level 1 पर। देखिए, हमें जो वॉल बनानी है, हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है वॉल, और वॉल हमारी कहाँ पर फिनिश हो, हाइट जो होगी वॉल की ये होगी, ये हमारी वॉल होगी जो अभी हम वॉल बनाएंगे। तो हम लेवल कौन सा, कहाँ से स्टार्ट करें, level 1। तो इसलिए आपको जो व्यू पे जाना है, फ्लोर व्यू पे, वो level 1 पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, और अब वो वॉल की हाइट क्या होगी, level 2। तो सबसे पहले level 1 पर क्लिक करते हैं, ये आ चुका है प्लान। अब यहाँ पे वॉल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जेनरिक वॉल है, हम मेसनरी वॉल ले लेते हैं 225, बट हमें चाहिए 230 mm। तो हम इसको एडिट करेंगे वॉल को, और यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे इसका, जिसका टाइटल हम डाल देते हैं 230 mm। ओके, केवल टाइटल हमने डाला है 230। अब हमें यहाँ पे जाके एडिट में जाके हमें इसकी थिकनेस चेंज करनी होगी। तो एडिट, यहाँ पे 225 है, इसको कर देते हैं हम 230। ओके कर देते हैं, और यहाँ पर ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 230 mm की वॉल आ चुकी है। वॉल हमने डिफाइन कर दी है। वॉल डिफाइन के बाद हमें डिफाइन करना है कि वॉल हमारी स्टार्ट तो level 1 से होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे level 1 प्लान है। ये जो प्लान है वो क्या है, level 1। स्टार्ट तो level 1 से होगी, लेकिन फिनिश कहाँ पे होनी है, level 2 पे। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है level 2। ठीक है, तो यहाँ पे level 2, तो यहाँ पर level 1 होना चाहिए आपका, जहाँ से वॉल को स्टार्ट करना है, और level 2 यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर लेवल को हम, जहाँ पर वॉल की हाइट रखना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, ड्रॉ करने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल आप ऐसे बना दो, स्क्वायर या रेक्टेंगल विदाउट डायमेंशंस। तो मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, और एक ये, और एक ये। ठीक है, मैसनरी वॉल। अब हमने स्केप से कैंसिल किया कमांड को। अब इस वॉल पे हमने क्लिक किया, तो इस वॉल पे क्लिक करने से ये विड्थ दिखा रहा है हमें इतनी, पर हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग विड्थ जो है वो 7100 है। तो हमें बस यहाँ पे टाइप करना है 7100। सेम अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो ये कितनी है हमारी, 7300। तो हमें यहाँ पे डालना है 7300, ये हो चुका है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन चुका है, यानी कि आउटर वॉल बन चुकी है। अब हम इनर वॉल बनानी है। तो इनर वॉल के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि इनर वॉल के लिए जो थिकनेस है वो 200 mm है, और ब्रिक मैशनरी है। अब हम क्या करते हैं, वॉल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिक वॉल है कोई, ब्रिक वॉल, सिंपल ब्रिक वॉल। तो यहाँ पे सिंपल ब्रिक वॉल नहीं है, मैशनरी ले लेते हैं हम ये वाली 200 mm की। ठीक है,
या हम मैसनरी को ही ब्रिक बोलते हैं, तो मैसनरी 225 को एडिट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं 200 mm। ओके एडिट, और यहाँ पे 200 mm। ओके अब ये देखिए यहाँ ओके करने का 200 mm की आ चुकी है। अब इससे स्टार्ट करते हैं इनर वॉल। अब इनर वॉल के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वॉल बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक वॉल बना दो यहाँ पे विदाउट डायमेंशंस, ये बना दिया, ठीक है। कैंसिल किया कमांड। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो आउटर है इस वॉल का, ये जो आउटर है यहाँ से लेकर इस आउटर तक 3550 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें देखें इसे कैसे हम चेंज करेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डायमेंशंस आ रही हैं। हमें क्या लेनी है, इस विड्थ को हमें क्या लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3500। तो देखिए हमें इस पे, इस डॉट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आउटर हो गया। अब इस डॉट पे क्लिक करूँगा तो ये भी सेंटर हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा तो आउटर हो गया। अब ये डिस्टेंस जो शो कर रहा है, ये आउटर टू आउटर कर रहा है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3550, ठीक है। ये हमारा 3550 हो चुका है। इसको एक बार मेज़र कर लेते हैं। हम यहाँ जाएंगे एनोटेट, और यहाँ पे लीनियर डायमेंशन के लिए इस कोने से और इस कॉर्नर तक की डायमेंशन मेज़र करते हैं 3550, यही हमें चाहिए थी, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्राइंग में जाते हैं। अब यहाँ पर जो है एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली हॉरिजेंटल वॉल है, और जिसकी जो थिकनेस है, जो थिकनेस तो 200 mm है, लेकिन इसका जो स्पेसिंग है वो 3550 है। और कहाँ से, इनर, इस इनर से लेके इस आउटर तक। तो सेम प्रोसीजर, मैं एक वॉल लेता हूँ 200 mm सेलेक्ट है, और यहाँ से एक रफली एक वॉल बना देता हूँ। सेम जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायमेंशन आती है, तो मुझे चाहिए इनर, तो इनर तो सेलेक्ट है हमारा, और यहाँ पे आउटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटर मिल गया, और ये कितना है 3550, ये मिल गया, ठीक है। इसको भी मेज़र कर लेते हैं एक बार, केवल चेक करने के लिए कि हमारा सही चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमें यहाँ पे वॉल बनानी है, और इस वॉल की जो विड्थ है, ये वॉल किस डिस्टेंस से बनी है, 2050 आउटर से इस वॉल का आउटर, ठीक है। तो मैंने वॉल तो हमारी वही 200 mm लेते हैं, और यहाँ से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अब इस वॉल पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर वही डायमेंशन, ये आउटर जाएगा, और ये देख लेते हैं ये कहाँ पे है, ये डायमेंशंस भी आउटर है, ठीक है। तो ये भी आउटर है, और कितनी है ये, 2050, ठीक है, ये बन चुका है 2050। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और वॉल है हमारी, ये वाली जो है 1700, यहाँ से इनर टू आउटर 1700 है। तो मैं एक वॉल और ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ पर। अब इस वॉल पे क्लिक करता हूँ कैंसिल करने के बाद कमांड, तो यहाँ इनर और यहाँ पे चाहिए हमें आउटर, और कितना होना चाहिए 1700, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर ये दोनों वॉल आमने सामने आ रही है, लेकिन हमारी नहीं आ रही, तो हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, 3750 और ये, ठीक है। हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं की है। तो एनोटेट लीनियर, यहाँ आउटर से इस आउटर तक हमारा 2050, ठीक है। इस आउटर से इस आउटर तक 1700, ठीक है। और यहाँ पे इस आउटर से और यहाँ तक ये हमारा ज़्यादा हो रहा है 4250, जबकि ये कितना होना चाहिए था 3750। तो इसका मतलब हमारी, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये तो 3550 है, और इस पर क्लिक करूँ मैं यहाँ पे तो ये है 1690, और ये है 3550। इसको कर देते हैं हम 3750, इस तरीके से। अब ये बिल्कुल सही हो चुकी है, ये होगी हमारी। ये होगी हमारी 17 2050, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगी हमारी 1700, ठीक है।
अब ठीक है, अब सारे डायमेंशन हमारे ठीक हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सारे चीज़ें बन चुकी हैं। एक यहाँ पर एक और है 2350, ठीक है, या 1200। 1200 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक 1200 है, ठीक है। तो एक वॉल और बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से यहाँ पर। और अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ठीक है, इसको लेना है यहाँ तक, ये है हमारा 1200, ठीक है। तो अब ये हमारी सारी प्लान की वॉल्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डोर, M/4 2-panel door, उसका साइज भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या गिवन है। डोर पर क्लिक किया, M/4 नहीं है इसमें डोर, तो लाइब्रेरी भी मेरे पास नहीं है। आप सीधा गूगल पे इसको टाइप कर सकते हैं, M/4, ठीक है, M/4 रिविट और लिख दीजिए आगे। तो यहाँ पे जो रिविट ऑटोडेक्स, ये रिविट 9.0, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज मिलेगी। यहाँ पे कंट्रोल एफ, और देखिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बाय फॉल्ट, बाय फॉल्ट, देखिए ये आ चुका है बाय फॉल्ट 2-panel, ये चाहिए था हमें। इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए डाउनलोड हो गया है, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद मैं इसको इसमें लोड कर सकता हूँ। तो ये जो पहले से है M/+, इसके एडिट पे गए और यहाँ पे लोड किया, लोड करना है हमें जो हमें चाहिए। M/4 तो इसमें नहीं है, पहले से जो लाइब्रेरी, एक बार मैं उसमें भी चेक कर लेता हूँ। डोर M/4 रेजिडेंशियल में नहीं है, नहीं है हमारी जो लाइब्रेरी उसमें नहीं है। तो मैं उसको क्या कहते हैं, जो मैंने डाउनलोड की है उसको मैं लोड कर लेता हूँ। रिविट लाइब्रेरी डोर, देखिए M/4 2-panel हमने लोड कर लिया है, ठीक है, कंटिन्यू। और इसका जो साइज़ है, जो प्रॉब्लम में साइज़ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हाइट 21 और 1500 विड्थ। तो हाइट देखिए 21 है यहाँ पे, 2100 mm, और जो विड्थ है वो है, एक बार और देख लेते हैं, विड्थ है 1500, ये हो गया। इसको ओके कर दिया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा अभी ये, यहाँ पे खोल के देख लेते हैं, नहीं आया है तो दोबारा से जाते हैं हम एडिट लोड बाय फॉल्ट, सेव फाइल करनी पड़ेगी। देखिए M/4 आ चुका है। अब ये लगाना कहाँ कहाँ पर है, ए यहाँ पर लगाना है, तो किस डिस्टेंस पे लगाना है ये गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ऐसे ही कोई डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, और अंदर की ओर है ये, और इस पर टैगिंग भी आ रही है इसका टाइटल, इसको बाद में देखते हैं। ये आपका हो सकता है ऑफ हो, तो मैं पहले इसको ऑफ ही कर देता हूँ। एनोटेट में जाके आप रूम टैग जो है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप जाइए स्ट्रक्चर और यहाँ पे कर दीजिए रूम टैग ऑल नॉट टैग, जिसका टैग है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूम बन चुका है हमारा। इस रूम को अगर बाहर की तरफ, इस डोर को बाहर की तरफ खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं ऐसे, और अंदर की तरफ करना है तो अंदर की तरफ। तो हमारे डोर बन चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो डोर है D1, वो है M/Decorative, ठीक है, जिसका साइज़ दिया हुआ है 1000 by 2000। तो हम गूगल पे एक बार करें सर्च इसमें डेकोरेटिव, तो सिंगल डेकोरेटिव है हमारे पास, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया और इसको अब हम लोड कर लेते हैं। तो डोर एडिट लोड सिंगल डेकोरेटिव, सम एरर, हम इसको सेव करते हैं फाइल को पहले, ठीक है, दोबारा से लोड करते हैं डेकोरेटिव। ये आ चुका है सिंगल डेकोरेटिव, इसका साइज जो है वो है 2000 by 1000, यानी कि 2000 इसकी हाइट है और 1000 इसकी विड्थ है। ओके कर दिया। अब इस डोर को हमें लगाना है, सिंगल डेकोरेटिव टू, अब इसको हमें लगाना है कहाँ कहाँ पर, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है किस डिस्टेंस पे लगाना है, तो 1, 2, 3, ठीक है,
तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर की ओर है ये वाला डोर, ये डोर भी ठीक है, और इस डोर पे हम इधर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो डोर लग चुका है, अब कहाँ पे लगाना है हमें डोर। नेक्स्ट एक आपका सिंगल कोल्ड रूम डोर दिया हुआ है यहाँ पे D2, ठीक है, इसको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे डोर कोल्ड रूम डोर दिया हुआ है, लेकिन साइज क्या है उसका, 900 बाय 2000। तो एडिट 2000 बाय 900 विड्थ होगी, ओके। और इसको लगाना है हमें कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और इसे अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। तो डोर सभी हमारे लग चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा विंडो। तो एम फिक्स है 700 बाय 1200 विंडो। तो मैं यहाँ पे विंडो में जाता हूँ, तो एम फिक्स है पहले से, इसको एडिट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और इसका साइज़ है 700 बाय 1200। तो इसकी जो हाइट है वो 700 है, और विड्थ जो है वो 1200 है, ओके करते हैं। अब इसी को लगाते हैं कहाँ कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एक मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं। इसका कुछ साइज़ में साइज़ ठीक नहीं हुआ है, एडिट। इसकी जो हाइट है वो 1200 है, और जो इसकी विड्थ है, सॉरी ये मेरे को विड्थ ये वाली बढ़ानी थी, तो मैं दोबारा से एम फिक्स ले लेता हूँ कोई और, ये ले लेते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये विंडोज़ हैं, कोई डिस्टेंस नहीं दिए तो हमने अपने अकॉर्डिंग ये विंडोज़ लगा दी गई हैं। तो हमारा लगभग प्लान पूरा बन चुका है। अब इसमें जो आता है टैगिंग जो है, W1 D1, ये कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, एनोटेट में जाना है, और यहाँ पे देखिए है टैग ऑल, किस पे, डोर्स पे। अब हम करते हैं इसमें विंडोज़ को ढूंढते हैं, विंडोज़ पे क्लिक किया, ओके, विंडोज़ पे टैग हो चुका है, लेकिन 18 18 18 कुछ इस तरह से टैग हुआ है विंडोज़ पे। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक विंडो को सिलेक्ट करूँगा और SP प्रेस करेंगे, SM सॉरी। तो आप समझ चुके हैं कि हमें एनोटेट में जाना है, और यहाँ पे करना है हमें टैग, और टैग के बाद हमारे यहाँ पे टैग हो जाएगा। तो सभी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे टैग हो चुके हैं, यहाँ पे टैग ऑल कर दिया हमने, और जिसको टैग करना है डोर पे किया ओके, तो डोर हमारे टैग हो चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो सेम डोर है उनका D1 हो जाए, और जो दूसरे डोर है उसका D2 हो जाए, जो अलग डोर है उसका D हो जाए। तो कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखिए क्या करना है। जैसे ये डोर मैंने सेलेक्ट किया और SA प्रेस किया, क्या प्रेस किया मैंने, SA, इससे क्या होगा, सिमिलर डोर सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए एक बार करते हैं, यहाँ पे प्रेस किया SA, देखिए ये डोर सेलेक्ट हो चुका है, ये डोर और ये डोर, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। और यहाँ पे जो मार्किंग है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ D1, एंटर, वार्निंग आएगी, इसको ओके कर देना है। तो देखिए जो भी सिमिलर सिमिलर है सभी के मार्किंग D1 हो चुकी है। तो इस तरह से हम टैग करेंगे सिमिलर सिमिलर किसी भी सिमिलर डोर, सिमिलर विंडो और सिमिलर चीज़ों का। अगर सिंगल इंडिविजुअल का करना है तो आपको इसके टैग पे क्लिक करना है, सॉरी, अगर आपको करना है तो इसके टैग पे, यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें चेंज कर देना है D, राइट। तो इस तरह से आपका सिंगल सिंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये था एक बेसिक प्लान जिसमें हमने वॉल्स बनाना। अगर आपको इस प्लान को 3D में देखना है तो देखिए यहाँ पे एक हट बनी हुई है, इस पर क्लिक करना है और ये 3D यहाँ पे आ जाएगा। आपको शिफ्ट प्रेस करना है और स्क्रॉल को प्रेस करना है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और आपको ये थोड़ा सा रियलिस्टिक में देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके रियलिस्टिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके फाइन करेंगे, तो देखिए रियलिस्टिक ड्राइंग आपके पास आ जाएगी। वॉल्स को एडिट करना, इंटरनेट से डाउनलोड करके लाइब्रेरी की कुछ फाइल्स को लोड करना, और हमने यहाँ पे टैगिंग सीखा है कि कैसे हम डोर्स को टैग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो मेरी वेबसाइट पे जाके किसी ऐड पे आपको एक क्लिक करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन दिए हुए पैट्रॉन पे जाकर आपको वहाँ पे मेरे वर्क को सपोर्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।